अस्सलाम वालेकुम। तो पिछली वीडियो में हमने इंटरनेट एक्सप्लोरर इनहैंस सिक्योरिटी की कॉन्फ़िगरेशन की थी, तो अब इस वीडियो में हमने कुछ गोल्स ऐड करने हैं, लाइक IIS इंफॉर्मेशन इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, लाइक फाइल सर्विस और SNMP, इसके अलावा रिमोट एक्सेस रूल्स वगैरह। इसके अंदर हमने 2019 और 2016 दोनों सर्वर्स के अंदर ये कुछ रूल्स ऐड करने हैं। तो हम चलते हैं विंडोज सर्वर 2019 पे। तो यहाँ पे स्टार्ट के बटन के ऊपर क्लिक करें और स्टार्ट मैनेजर पे जाएं, सर्वर मैनेजर पे जाएं, देन उसके बाद थोड़ा सा वेट करें और डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करें। ऑलरेडी ये क्लिक्ड है, तो यहाँ पे इसको मैक्सिमाइजमेंट कर लिया। तो यहाँ पे ऐड रोल एंड फीचर्स के ऊपर क्लिक करना है, देन यहाँ पे बिफोर यू बिगिन यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, आपने जस्ट सिंपली नेक्स्ट कर देना। रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन ये आपको बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रहने देना और नेक्स्ट करना, और ये भी नेक्स्ट। देन यहाँ पे आपने कुछ फीचर्स सेलेक्ट करने हैं, वो फीचर्स क्या हैं? एक तो आपने IIS यानी कि इंटरनेट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की सर्विस जो है वो इनेबल करनी है, और लाइक वेब सर्वर जो है जैसे कि, और इसके अलावा आपने SNMP की सर्विस रोल ऐड करना है, इसके अलावा आपने रिमोट एक्सेस का ऐड करना है, और इसके अलावा फाइल सर्विसेज यानी कि FTP वगैरह। तो यहाँ पे कैसे करना है वो, अब बाकी हम ये एक्टिव डायरेक्टरी DHCP सर्वर DNS सर्वर ये सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है अभी। तो फ़िलहाल हमने ये वेब सर्वर के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे इसको ऐड करना है। ये देखिए मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है, इसको मज़ीद आपने ऐड करना है। तो ये जो जिसके ऊपर इंस्टॉल लिखा हुआ है ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप लोगों ने जस्ट ऐसे मज़ीद इसको ना इसको एक्सपेंड करना है, और ये आपने टिक कर लेने हैं ये वाले, डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट इंस्टॉल करना है, डायरेक्टरी ब्राउजिंग करना है, HTTP एरर्स भी करना है, स्टैटिक कंटेंट ये भी करना है, और इसके अलावा HTTP रीडायरेक्शन भी करना है, देन हेल्थ एंड डायग्नोस्टिक में जाना है। तो इसमें ये HTTP लॉगिंग इंस्टॉल करना है और लॉगिन टूल्स करना है, ODBC करना है, रिक्वेस्ट मॉनिटर करना है, ट्रेसिंग इंस्टॉल करना है। इसके अलावा कुछ फीचर्स ऑलरेडी इंस्टॉल हो गए, तो आपको जस्ट ये अब सिक्योरिटी के कुछ फीचर्स ऐड करने हैं। परफॉर्मेंस के ऊपर क्लिक करके आपने स्टैटिक कंटेंट को इंस्टॉल करना है, देन आपने ये रिक्वेस्ट फिल्टरिंग इंस्टॉल करना है, बेसिक ऑथेंटिकेशन करना है, क्लाइंट सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन करना है और विंडोज़ ऑथेंटिकेशन करना है। देन आपने आना है ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में ये नेट एक्सटेंड ये दोनों आपने इंस्टॉल कर लेने हैं, क्लिक करना है, जस्ट क्लिक करना है, और ASP.NET 4.7 पे क्लिक करना है। देन ये दोनों ऑलरेडी अगर इंस्टॉल है तो ठीक है, वरना इनके ऊपर क्लिक करना है। देन ये फाइल सर्विसेज हैं यार, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है इसके ऊपर आपने FTP सर्विस इंस्टॉल करनी है, क्लिक करना है। देन ये मैनेजमेंट कुछ सर्विसेज है, मैनेजमेंट में क्या आएगा, IIS मैनेजमेंट आएगा, इस कंसोल इसके ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपने IIS जो है 6 इसके ऊपर क्लिक करके ये दोनों को इनेबल कर लेना है, और सबसे टॉप पे ये फाइल एंड स्टोरेज सर्विस तो ऑलरेडी होगी शायद, और बस। तो ये थी ज़रूरी कॉन्फ़िगरेशन जो आपको करनी थी, वो आपने चेक कर लेना है, देन आपने नेक्स्ट करना है। और यहाँ पे कुछ जो है फीचर्स और आपको ऐड कर लें, जैसा कि .NET फ्रेमवर्क है इसको चेक कर लेना है, और ब्रांच कैशे ये भी आपको चेक कर लेना है, क्लाइंट फॉर NFS ये भी चेक कर लेना है, और ग्रुप पॉलिसी इसको भी चेक कर लेना है, देन इसको एक्सपेंड कर लें।
इसको भी एक्सपेंड कर लें। और ये मैसेज क्यूइंग सर्विस ये ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, अगर नहीं है तो इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे RPC ओवर HTTP प्रॉक्सी ये भी कर लेना है, और इसको एक्सपेंड करके रिमोट सर्वर को एक्सपेंड करके फीचर एडमिनिस्ट्रेशन में जाके SMTP सर्विस इसको भी सर्वर टूल को इंस्टॉल कर लेना है। और यहाँ पे नीचे आके SNMP टूल ये भी इंस्टॉल कर लेना है। देन आपको RPC ओवर HTTP प्रॉक्सी इंस्टॉल करना है, देन SMTP सर्वर और SNMP सर्विस ये दोनों को चेक करना है। देन सिस्टम डेटा आर्काइवर ये ऑलरेडी होगा आपको, जस्ट ये टेलनेट क्लाइंट और TFTP सर्विस इसको भी फीचर्स को ऐड करना है। विंडोज डिफेंडर एंटीवायरस ये ऑलरेडी होगा शायद, और ये पावर शेल विंडोज पावर शेल के कुछ फीचर्स हैं ये भी ऐड कर लेने हैं आपको। ISE और विंडोज पावर शेल और विंडोज पावर शेल 5.1 और 2.1 इंजन ये दोनों को इंस्टॉल कर लेना है। देन विंडोज पे आना है, विंडोज एक्टिवेशन प्रोसेस एक्टिवेशन या प्रोसेस मॉडल डॉट नेट और कन्फिगरिंग IP ये आपको इंस्टॉल करनी है। और यहाँ पे दोनों WOW64 सपोर्ट और XPS व्यूअर इनको इंस्टॉल कर लेना है, और ऐड करके जस्ट आपको इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट नेक्स्ट आपको करना है। और यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा, तो कुछ ही मिनट में ये फीचर्स रोल्स ऐड करके और फीचर्स जो आपने सेलेक्ट किए हैं ये इंस्टॉल हो जाएंगे, देन सक्सीड लिखा आ जाएगा। तो जस्ट आपको इतनी कॉन्फ़िगरेशन करनी है सेम एज इट इज़ आपने विंडोज़ सर्वर 2016 के ऊपर सेम एज इट इज़ आपको ये कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। वहाँ पे भी हम जाके कर लेते हैं, इसको क्लोज क्लोज कर दें सिंपली। विंडोज सर्वर 2016 आ गया, स्टार्ट के बटन पे क्लिक करें, सर्वर मैनेजर देन एड रोल्स एंड फीचर्स अभी स्टार्ट हो रहा है, तो कुछ ही देर में ये स्टार्ट हो जाएगा। हाँ तो ये दिखें, इसी तरह ये नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट। तो इसके अंदर भी मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं, ये देखिए एक्सपेंड करके आपको दिखा देता हूँ। ये फीचर्स और रूल्स आपको ऐड करने पड़ेंगे। इसमें डॉट नेट ये भी 3.5 भी इंस्टॉल कर लेते हैं, नेक्स्ट। ये ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, तो XP ये भी हम XPS व्यूअर भी इंस्टॉल कर लेते हैं, नेक्स्ट। ये देखिए इस तरह सॉलेशन हो गई, और इंस्टॉल कर लेना, तो ये कुछ टाइम लगेगा यहाँ पे इंस्टॉलेशन का। तो अभी हम कुछ सर्विसेज को ऐड करते हैं। सर्विसेज ऐड करने के लिए अभी हम विंडोज सर्वर पे जाते हैं, तो यहाँ पे हमने कुछ सर्विसेज इनेबल करनी है और कुछ डिसेबल करनी है। IaaS सर्विस को इनेबल करने के लिए तो यहाँ पे हमने जाना है विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव, यहाँ पे क्लिक करना है,
देन हमने यहाँ पे सर्विसेज के टैब पे जाना। सर्विसेज डबल क्लिक, इसकी सर्विसेज को ओपन करके और हमें यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा वर्ल्ड वाइड वेब पब्लिशिंग, वर्ल्ड वाइड यहाँ क्लिक करके एंड पे चले जाते हैं डब्ल्यू वाली। ये यहाँ पे होगा जी एंड पे, वर्ल्ड वाइड वेब पब्लिशिंग सर्विस ये रनिंग है। इसको हमने राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है और इसको हमने करना है ऑटोमेटिक की जगह पे डिसेबल्ड और स्टॉप करना है। देन हमने कर देना है अप्लाई। ओके अब दूसरी जो सेटिंग सॉरी दोबारा इसके ऊपर क्लिक करते हैं प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे हमने सर्च करना है IIS एडमिन सर्विस, IIS एडमिन सर्विस ऊपर होगा यहाँ पे आई टाइप करते हैं तो ये देखिए IIS एडमिन सर्विस, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज में जाना है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक की जगह पे आपने डिसेबल कर देना है डिसेबल्ड। तो मैं इसको ऑटोमेटिक ही करता हूँ अप्लाई। ओके और वर्ल्ड वाइड वेब पब्लिश इसी को इसको भी ऑटोमेटिक ही करता हूँ अप्लाई। और ये स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि इसके ऊपर हमने ये सर्विसेज की कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी, हमने करनी है विंडोज सर्वर 2016 के ऊपर। इसको हमने ऐसे ही रहने देना है, मैं मिस्टेक कर रहा था। एक्चुअली हमने ये सर्विसेज वाला ऑप्शन जो है ना हमने 2016 में करना है। तो हम जाते हैं डेस्कटॉप पे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और यहाँ पे सर्विसेज डबल क्लिक किया। और यहाँ पे IIS एडमिन सर्विस राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज। देन यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको ऑलरेडी डिसेबल किया हुआ है तो ये डिसेबल करना है, यहाँ पे स्टॉप कर देना है और ओके। और यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज पे जाना है और यहाँ पे इसको डिसेबल कर देना, स्टॉप करना है और ओके। और यहाँ पे आपकी सेटिंग हो जाएगी, इसको क्लोज कर देना है और ये जो सर्विसेज हैं ये इंस्टॉल होती रहेंगी और इसको आप सिंपली क्लोज कर सकते हैं। बैकएंड भी ये सर्विसेज इंस्टॉल होती रहेंगी। तो इसमें सिर्फ ये सेटिंग्स करनी थी, उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। तो आप वीडियो को पॉज करके ये ध्यान से आप ये रोल्स और फीचर्स ऐड कर सकती हैं और आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम और पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे। उम्मीद
जो कि बहुत ही ज़रूरी है, और कुछ टूल्स इंस्टॉल करेंगे। तो अभी मैं इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ।